Hello student, this question is of redox and the question is what is the value of n in the following reaction. So basically हमें एक reaction दिया गया है और पूछा है इसमें से कि n जो है यहाँ पे इसकी value क्या होगी. Okay, तो हमारा reaction क्या है basically Cr OH 4 minus plus OH minus मतलब basic condition है यहाँ पे. Okay, gives Cr O 4 2 minus plus H2O plus एन इलेक्ट्रॉन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पे एक क्रोमियम है, यहाँ पे एक क्रोमियम है, इधर देखिए चार हाइड्रोजन यहाँ पे है, चार एक पांच हो गया. इधर कितना बेसिकली आपका दो ही हाइड्रोजन है. ठीक है, तो अगर इसे हम लोग क्या करना है बेसिकली दोनों को बैलेंस करने से करेंगे. यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फोर एच टू ओ कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एट हो गया. ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, यहाँ कर दिया फोर, तो जगह फोर प्लस फोर एट. ओके, तो यहाँ भी हमने फोर कर दिया. ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे चार हाइड्रोजन, यहाँ पे चार, आठ हो गया. ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन देखिए बैलेंस है कि नहीं, हमारा चार ऑक्सीजन इधर, चार चार आठ, इधर चार चार आठ. ओके, सब बैलेंस है. तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे चार्ज बैलेंस. ठीक है, तो अगर चार्ज को देखें हम लोग यहाँ पे, तो चार्ज कितना है यहाँ पे, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे कितना है माइनस फोर, तो यह हो गया आपका माइनस फाइव. ठीक है, यहाँ पे कितना है माइनस टू है सिर्फ. ठीक, और साथ में क्या है यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे हम लोग को एन की वैल्यू निकालनी है. तो ये माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस टू प्लस एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, माइनस फाइव के बराबर हो जाए, तो एन की वैल्यू रख देंगे हम लोग क्या यहाँ पे थ्री. ठीक है, तो ये थ्री जब रखेंगे तो देखिए ये थ्री क्या है बेसिकली नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज होता है. तो माइनस टू और माइनस थ्री की जगह माइनस फाइव के बराबर हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर वन. तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू.